नमस्कार दोस्तों, हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं पवित्र नगरी अमरकंटक में और इस वक्त हम खड़े हैं माँ नर्मदा उद्गम स्थल पर और माँ नर्मदा जी के दर्शन हेतु हम यहाँ सभी आए हुए हैं। तो आप सभी भी हमारे साथ माँ नर्मदा जी के दर्शन करिए और पुण्य का लाभ उठाएँ। तो बने रहिए हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल के साथ। और पवित्र नगरी अमरकंटक में हम आज देखेंगे कपिलधारा, माइकी बगिया और सोनमुड़ा इत्यादि। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नर्मदा उद्गम स्थल, माँ नर्मदा उद्गम स्थल का प्रवेश द्वार है। और आज चूँकि सोमवार का दिन है, इस वजह से काफ़ी चहल पहल और भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहां आते हैं दर्शन के लिए। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहां माँ नर्मदा जी के दर्शन हेतु आते हैं। इसके अलावा विदेशी सैलानियों का भी यहां आना जाना रहता है। अभी हम उपस्थित हैं पवित्र नगरी अमरकंटक में और माँ नर्मदा उद्गम स्थल में मौजूद हैं। देख सकते हैं पूरा जो मंदिर परिसर है कितना भव्य है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं दर्शन के लिए। अमरकंटक पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग से सीधे जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, शहडोल से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रेल मार्ग से कटनी बिलासपुर के मध्य पड़ने वाले पेंडर रोड स्टेशन पर उतरकर यहां से टैक्सी वगैरह करके भी आप यहां पहुंच सकते हैं आसानी से। एक बात और बता दूं कि पेंडर रोड से अमरकंटक की दूरी लगभग 35 किलोमीटर होगी। आप देख सकते हैं माँ नर्मदा कुंड का यह जो मंदिर का परिसर है कितना भव्य है, कितना शांत और मनमोहक है। मंत्रमुग्ध कर देने वाला यह वातावरण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। अमरकंटक छोटा किंतु सुंदर एवं शांतिप्रिय धार्मिक स्थल है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पड़ता है। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा यह स्थल तीर्थ राज के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान पर सतपुड़ा, विंध्य और मैकल की पहाड़ियों का भी मेल होता है। अमरकंटक में सिर्फ तीर्थयात्री ही नहीं बल्कि लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों के साथ भी आते रहते हैं। आप देख सकते हैं माँ नर्मदा मंदिर प्रवेश द्वार में काफ़ी भीड़ मची हुई है, लोग लगे हुए हैं, बहुत ही उत्सुक हैं माँ के एक दर्शन प्राप्त करने के लिए। अभी आप जो हाथी देख रहे हैं, इसकी भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि इस हाथी के नीचे से निकलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। और हमने भी कई बार सुना है कि जिस प्रकार गंगा जी में स्नान करने से पुण्य का लाभ प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार माँ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से वही फल की प्राप्ति होती है।
और अभी हम आ चुके हैं माई की बगिया। मैं माई की बगिया के बारे में बता दूं, माई की बगिया माता नर्मदा जी को समर्पित है। यह बगिया नर्मदा कुंड से पूर्व दिशा की ओर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कुंड को चरण कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस हरी भरी बगिया के स्थान से शिवपुत्री नर्मदा पुष्पों को चुनती थी। यहाँ प्राकृतिक रूप से आम, केला और अन्य बहुत से फलों के पेड़ लगे हुए हैं और साथ ही गुल बकावली और गुलाब के पौधे भी यहाँ की सुंदरता बढ़ाते हैं। कहीं कहीं यह भी प्रसंग मिलता है कि माँ नर्मदा अपनी सहेलियों के साथ गुल बकावली तोड़ने यहाँ आया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि गुल बकावली पूर्व काल में एक सुंदर कन्या के रूप में थी। गुल बकावली के फूल से जो रस निकलता है उससे नेत्र रोग के लिए औषधि भी बनाई जाती है, जो कि नेत्र रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। और अब हम आ चुके हैं सोनमुड़ा में, जो कि नर्मदा कुंड से लगभग 2 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। सोनमुड़ा से सोन नदी, जिसे आप सभी जानते हैं, यही सोन नदी का उद्गम स्थल सोनमुड़ा से है। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि सोन, जो कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र और भद्रा नाम के दो कुंड मिलकर सोनभद्र का निर्माण करते हैं और यहाँ जलधारा के रूप में बहते हुए एक जलप्रपात का निर्माण भी करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यही सोन नदी का उद्गम स्थल है। देख रहे हैं किस प्रकार से एक बहुत ही पतली धार के रूप में सोन नदी निकल रही है, जो कि आगे बहते हुए एक जलप्रपात का निर्माण करती है और धीरे धीरे यही नदी बढ़ते हुए अपने विशाल स्वरूप को प्राप्त करते हुए अन्य राज्यों तक जाती है। और अभी हम आ चुके हैं सोनमुड़ा में सनसेट व्यू पर। देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है, पूरी घाटियां यहां से स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही है। बता दूं कि हम बहुत काफ़ी ऊंचाई पर हैं इस वक्त, जहां से नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और यहां रेलिंग वगैरह भी बनी हुई है सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर, ताकि कोई दुर्घटना वगैरह ना घटित हो इसके लिए। और भी कुछ दुकानें वगैरह भी लगी हुई है चारों ओर, यहाँ पर खरीदारी वगैरह करने के लिए खाने पीने की वस्तुएं भी मिल जाती है यहाँ पर। हालांकि अभी फरवरी का मौसम है, इसलिए यहाँ
जलधारा और जलप्रपात तो नहीं दिख पा रहा है स्पष्ट तौर पर, लेकिन अगर आप बारिश के मौसम में आएंगे विशेषकर सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तो आपको यहाँ का वातावरण बहुत ही हरा भरा और मन को मोहने वाला लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ सोन की धारा बहते हुए आती है और जलप्रपात का निर्माण करती है। और अभी हम आ चुके हैं कपिल धारा में, और कपिल धारा से पहले आपको मैं बता दूँ, यहाँ ये जो दिख रहा है छोटा सा मार्केट है, यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, खेलने खिलौने वगैरह भी मिल जाते हैं बच्चों के, और भी बहुत सारी जड़ी बूटियों की दुकान यहाँ सजी रहती है हमेशा। यह क्षेत्र जो है कपिलधारा जलप्रपात के पहले का है, यहाँ से आप सीधे जल कपिलधारा जलप्रपात देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नीचे से भी इसका आनंद उठाने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए उस पार जाकर नीचे उतरकर कपिलधारा जलप्रपात को और अच्छी तरीके से देख सकते हैं, और चाहें तो वहाँ स्नान भी कर सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं कपिलधारा जलप्रपात के व्यू पॉइंट पर, जहां से हम ऊपर से ही जलप्रपात का सुंदर नज़ारा लेते हुए आपको दिखाना चाहेंगे कि माँ नर्मदा की जलधारा जो जलप्रपात बना रही है वह कितनी सुंदर है। और नीचे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, नीचे कुछ लोग स्नान का भी आनंद ले रहे हैं, घूम फिर रहे हैं बड़े मज़े से, हालाँकि अभी पानी काफ़ी कम है। और अब हम आ चुके हैं श्री अमरेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक में। चूँकि यह शहडोल और अमरकंटक मार्ग में सबसे अंतिम छोर पर पड़ता है, जो कि अमरकंटक माँ नर्मदा कुंड से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए देखते हैं अमरेश्वर महादेव जी के दर्शन करते। प्राचीन जलेश्वर मंदिर के करीब ही अमरेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ स्थापित 11 फीट ऊंचे और 51 टन वजनी शिवलिंग आस्था का प्रमुख केंद्र है। शिवलिंग को ओंकारेश्वर से और जलहरी को कटनी जिले से लाया गया था। अमरेश्वर महादेव के बारे में बता दूं, अमरेश्वर महादेव को अमरेश्वर महालिंगम के नाम से भी पूजा जाता है। श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने में असुविधा ना हो, इसके लिए गर्भगृह में सीढ़ियों का भी निर्माण करवाया गया है। अमरकंटक यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बने रहें हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल के साथ, आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियो आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।